हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार LRC के एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। एंड पॉसिबिलिटी अभी तक ये बनी हुई कि ये जो वैकेंसी चल रही है 6800 पोस्ट के लिए, 6800 पोस्ट के लिए, मे भी हो सकता है कि ये बहाली रद्द भी किया जा सकता है। आशंका बनी हुई, 100% मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि रद्द हो ही जाएगा, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि रद्द भी हो सकती है। जिस तरह का जो प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह का टाइम लग रहा है, तो एक लेटेस्ट अपडेट आई है, उस अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सब डिटेल्स में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसी होती है सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है उसके बारे में। LRC से भी बहुत सारी जॉब्स होती है जो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती है, तो उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर बेल आइकन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा गाइज, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी अपडेट्स इमीडिएटली दो से तीन सेकंड के अंदर आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो यूट्यूब से भी पहले आप लोगों को अपडेट्स वहां पे मिल जाया करेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर जो है आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहूँगा, तो चलते हैं। और जो एक जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी ले जाना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। गाइज, अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास एक न्यूज़पेपर आया होगा, आज के न्यूज़पेपर में 5 सितंबर के न्यूज़पेपर में आया होगा। एंड ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, काफ़ी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, इसमें एक आर्टिकल्स आया, आप खुद भी पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला हेडलाइंस क्या है, अमीन बहाली मामले में फैसला जल्द, यानी पॉसिबिलिटी है कि फैसला जो है जल्द से जल्द आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेन चीज़ दी गई कि बहालियों के तौर तरीकों पर कई आपत्तियाँ उठाई गई। जैसा कि आपको पता भी होगा, जो इसका बहाली का प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारा जो है इस पर आपत्ति उठाई गई है। करीब दर्जन भर याचिकाओं पर अदालत का निर्णय आना है, कम से कम 12 के आसपास जो है केस पेंडिंग है इस बहाली से रिलेटेड, बता सकते हो 12। तो इस पर भी जो है फाइनल डिसीजन आना है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल पोस्ट देख सकते हैं, 6800 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, कुछ नियमों का पालन नहीं होने से बहाली निरस्त होने की आशंका है। कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि बहाली जो निरस्त होने की आशंका है, बहाली रद्द भी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये 100% नहीं है, बट मे भी हो भी सकता है। तो हम इस आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। देखो, राज्य में अमीन, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण, लिपिक आदि के 6800 से अधिक पदों पर बहाली के मामले में जल्द फैसला होगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो गई है, चयन की प्रक्रिया को त्रुटि मुक्त करने के लिए सूची की गहन जांच की जा रही है। यानी फाइनली जो है लिस्ट जो है तैयार कर लिया गया है, बट उसमें फिर डिपार्टमेंट की तरफ से चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जिसकी वजह से आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो वो चेक कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है, कारण बहाली की प्रक्रिया और निर्धारित योग्यता का पालन नहीं होने के संबंध में करीब दर्जन भर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। चालू सप्ताह में इन याचिकाओं पर न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। फैसले के आलोक में ही चयनित सूची जारी या निरस्त किया जाएगा। जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनली कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा, वो फाइनल डिसीजन लेगी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट डिसीजन लेगी। सूत्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण नियमों के पालन नहीं होने से बहाली निरस्त होने की आशंका खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो नहीं किया है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाए, हजारों लाखों लोगों का जो है ये सपना जो है टूट ना जाए। तो इससे रिलेटेड बताया गया है। एंड यहाँ पे ये बताया गया है कि बहालियों के तौर तरीकों पे तो सवाल उठाया गया है, ठीक है, इसी कारण से पिछले 2 माह से तैयार सूची का बार बार निरीक्षण किया जा रहा है, यानी कंप्लेन पे आ रही है, इसी वजह से 2 मंथ पहले, 2 मंथ हो गया है एक्चुअली लिस्ट तैयार हुआ, फिर भी उस पर जाँच कर रहे हैं डिपार्टमेंट, चेक कर रही है अच्छी तरह से कि किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी भी छोटी प्रॉब्लम ना रह जाए जिसकी वजह से आगे चल के बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। निर्देशों का पालन ना करने की शिकायत है कि बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि जो है निर्देशन का पालन नहीं किया जा रहा। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची गत माह जारी कर दी गई थी। जैसा कि आपको पता है, बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 की तो जारी कर दी गई थी, ठीक है। इस बहाली की प्रक्रिया भी न्यायालय में दायर है, ठीक है। बहाली में विलम्ब, निजी व सरकारी संस्थानों के प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों का पालन होना, सामान्य प्रशासन निदेशक की अपेक्षा होने की शिकायतें अधिक है, अनुभव प्रमाण पत्रों की गणना भी में भी चूक का आरोप है कि अधिकतर फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
बहाल पहले से कार्य संविदा पर बहाल अनुभवी अमीन कर्मियों को हटा दिया गया है। कहा यह गया है कि बहुत सारे पहले जॉब्स कर रहे थे उसको भी हटा दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम इसी वैकेंसी है, पता नहीं इस तरह की कैसे प्रॉब्लम हो गई, आप इस पर विश्वास करें या ना करें बट बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस वैकेंसीज में एंड ऑलरेडी प्रॉब्लम को बहुत सारा फेस किया जा रहा है। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप विश्वास करें या ना करें आपका काम है, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत ही मायने रखती है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय है दिल खोल कर अपनी राय जरूर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि आपकी क्या राय है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें गाइज, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कर दो एंड लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, बहुत मेहनत से आप लोगों के वीडियो बनाता हूं तो लाइक जरूर कर देना गाइज एंड डिस्क्रिप्शन में सब है, डिटेल से मिल जाएगा, जो भी करना है जाके कर दो, लाइक दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उनके बारे में उसको फॉरवर्ड करो, उसको बताओ। तो गाइज हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर ठीक है तो फिर किसी और वीडियो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।